स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो कि क्लास टेंथ के बेस पे होगा स्टूडेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वह होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ह्यूमन बींग्स में जो होता है कि यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन करके भी जो होता है कि आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, क्लास टेंथ के बच्चों के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्लास इलेवंथ वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि बहुत से लेवल जो होता है कि मेंशन किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मान लीजिए आपने फूड लिया है, ठीक है, आपने क्या लिया है, फूड लिया है। आप जो फूड लेते हैं स्टूडेंट तो फूड में जो होता है कि बहुत से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं फूड में, क्या पाया जा रहा है स्टूडेंट, कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। और ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं जैसे मान लीजिए जो होता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपका फैट हो गया, उसके बाद आपका लिपिड हो गया, ठीक, उसके बाद जो होता है कि आपका प्रोटीन्स हो गया। ये जो भी आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स जो होता है कि आपके फूड पार्टिकल से पाए जा रहे हैं स्टूडेंट, होता क्या है कि डाइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो कंपोनेंट आप देखते हैं ये कंपोनेंट इसी फॉर्म में जो इनका ओरिजिनल फॉर्म होता है इसी फॉर्म में यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, होता है कि हम कोई भी जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्टूडेंट सिंपल फॉर्म में उसे ब्रेक करते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। जब सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे तो उससे होता क्या है कि एक फाइनली होता है कि उसे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो डाइजेशन में होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में होता क्या कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। इसी पूरे मैकेनिज्म को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से जो होता है कि पार्ट्स आ रहे हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं स्टूडेंट, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन में हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या क्या आएगा। देखिए होता क्या है कि एक एलिमेंट्री कैनाल आएगा, क्या आएगा, एक जो होता है कि एलिमेंट्री कैनाल आएगा, जो एलिमेंट्री कैनाल आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्लस जो होता है कि एलिमेंट्री कैनाल मिल करके टोटल जो होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रही है। अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात कर लेते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल देखिए क्या आता है कि जो आपका माउथ है स्टूडेंट, माउथ से लेकर के आपका एनस तक होता है, ठीक है, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो होता है एलिमेंट्री कैनाल कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या है कि टोटल एलिमेंट्री कैनाल का अगर लेंथ देखेंगे आप तो ये जो होता है कि आपका 9 जो होता है स्टूडेंट मीटर होता है, कितना होता है, 9 मीटर होता है। अगर इसे फीट में आप चेंज करेंगे तो नियर अबाउट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट जो होता है कि एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये जो होता है एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ थी स्टूडेंट ये क्या होता है, वैरी भी कर सकता है। वैरी करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन का हाइट जो होता है बहुत कम है तो जाहिर सी बात है उस नेचर ने उसका क्या करेगा, उसी तरह से सिस्टम का अरेंजमेंट करेगा जिससे क्या होता है उसके साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो एक हम लेकर चलते हैं, एक रेंज लेकर चलते हैं, वो क्या लेकर चलते हैं, 9 मीटर लेकर के चलते हैं। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। देखिए बक्कल कैविटी आता है, क्या आता है, बक्कल कैविटी आता है। बक्कल कैविटी किसे कहते हैं, ओपनिंग ऑफ माउथ, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। जो हम लोगों का लीफ होता है स्टूडेंट, ठीक है, लीफ जैसे ही क्या होगा ओपन होता है आपका, ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, यानी कि बक्कल कैविटी, ये अंदर का जो स्पेस आप देख रहे हैं, ठीक, वो क्या आपका बक्कल कैविटी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, उसके बाद जो होता है कि आपको ओएसोफेगस मिलेगा, क्या मिलेगा, ओएसोफेगस मिलेगा, ठीक है। बक्कल कैविटी प्लस होता है कि ओएसोफेगस मिलता है, उसके बाद जो होता है कि आपका थर्ड स्टमक आ जाता है, क्या आ जाएगा आपका, स्टमक आ जाएगा। उसके बाद जो होता है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आपका लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद जो होता है कि आप देखेंगे तो आपका ये कंप्लीटली एनस हो गया। क्या हो गया? एनस हो गया, ठीक। यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक को हम टोटल क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल में आप देख रहे हैं कि आपका बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, ठीक है, स्टमक हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया एंड एनस हो गया। ये सब क्या होते हैं? आपका एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कहलाते हैं। उसके बाद देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या होते हैं। स्टूडेंट देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स कहलाएगा जो बेसिकली क्या है कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, वह जो होता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। स्टूडेंट क्या था? स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होता होगा आपका। दूसरा जो होता है स्टूडेंट आपका लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा। थर्ड आपका क्या होता है? पैनक्रियाज होता है, ठीक है। ये जो होता है कि मेजर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लीवर हो गया यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया, आपका लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये तीनों स्टूडेंट जो होता है कि एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं या फिर जो होता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स कुछ कुछ बुक में आपको इसलिए मिलेगा कि एसेसरी का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, ठीक है। तो डाइजेशन में कहीं कहीं जो होता है कि इनका मेजर रोल प्ले करते हैं, बिना इनके जो होता है कि डाइजेशन भी संभव नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और बता दें आपको, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो थ्री पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के होगा? फर्स्ट होता है ड्यूडनम होगा, ड्यूडनम क्या होता है? ड्यूडनम होता है। सेकेंड जो होता है स्टूडेंट जेजनम होता है। क्या होगा? जेजनम होता है। थर्ड जो होता है क्या होगा? इलियम होता है। क्या होगा? इलियम होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं जो होता है कि ड्यूडनम, जेजनम, इलियम जो होता है स्टूडेंट, ये जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होगा स्टूडेंट? सीकम होता है, सीकम होता है। दूसरा जो होता है स्टूडेंट कोलन होता है। क्या होगा? कोलन होगा। तीसरा जो होता है कि रेक्टम होता है। क्या होता है? रेक्टम होता है। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडनम कहते हैं, जेजनम कहते हैं, इलियम कहते हैं। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं जिनको हम सीकम कहते हैं, कोलम कहते हैं और रेक्टम कहते हैं स्टूडेंट, ठीक। तो ये जो होता है कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कौन कौन क्या आ रहा है उसमें और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या है। अब स्टूडेंट क्या है कि वन बाई वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो होता है कि मैं आपको डायग्राम बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, एक डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझसे बताइए, ठीक है। और अपने साथ करना क्या है कि जितना मैं बता रहा हूं उसको नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक जो होता है कि जनरल मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम आपको कई तरह के मिलेंगे लेकिन मैं जनरल एक डायग्राम बना ले रहा हूं। देखिए ये जो होता है स्टूडेंट आपका, ठीक, ये देखिए ये थोड़ा सा आपका, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए क्या है कि यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स दिखा देते हैं हम लोग। क्या दिखा देंगे? लार्ज इंटेस्टाइन को दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखिए होता क्या स्टूडेंट, देख लीजिए, ये देखिए ये जो होता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? माउथ है। क्या है? माउथ है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि ओपनिंग ऑफ माउथ क्या कहलाएगा आपका? जो होता है कि बक्कल कैविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बक्कल कैविटी कहलाता है। क्या कहलाएगा? बक्कल कैविटी कहलाएगा, ठीक है। अब जो बक्कल कैविटी आप देख रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि ये जो पोर्शंस आप देख रहे हैं ये ओएसोफेगस कहला रहा। क्या कहला रहा? ओएसोफेगस कहला रहा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्टमक हो गया, स्टमक हो गया। क्या हो गया? स्टमक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि ये जो पोर्शंस आप देख रहे हैं ये, इसे अभी थोड़ा मेंशन बाद में करते हैं या इस पे आ जाइए, आप डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन है आपका, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ये ले लीजिए आप सीधे जो होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है,
जिसको आपसे होता है कि ये माउथ हो गया, ठीक है, बक्कल कैविटी ओपनिंग ऑफ माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या हो गया, एनस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि ये आप जब देखेंगे तो जो आपका ये पोर्शंस होता है, ठीक है, यहीं पे क्या होते हैं, बाई लोब्स होता है स्टूडेंट, आपके पास एक लीवर है, क्या है, लीवर है। इसको मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपका लीवर है, ये आपका क्या, लीवर है। ये जो आप देखते हैं ये जो होता है कि गाल ब्लैडर्स होता है, क्या होता है, गाल ब्लैडर्स होता है, और गाल ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज का करना, ठीक। इधर से आप देखेंगे तो लीफ लाइक्स होता है, आपको एक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, पैनक्रियास कह रहे हैं, इसको आप क्या कह रहे हैं, पैनक्रियास कह रहे हैं, क्या कहेंगे, पैनक्रियास कहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कहीं कहीं से होता है कि ये आपका लीवर हो गया, आपका पैनक्रियास हो गया, और हम बात कर लेते हैं बक्कल कैविटी में, तो तीन जो होता है कि हमारे पास क्या थे, स्लाइवरी ग्लैंड थे, क्या थे, स्लाइवरी ग्लैंड थे, ये क्या हो गया आपका, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं से जो होता है कि टोटल आपका ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या माउथ की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ओपनिंग ऑफ माउथ दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, उसे आप क्या कह रहे हैं, बक्कल कैविटी कह रहे हैं। अब बक्कल कैविटी की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए बक्कल कैविटी में आपका सलाइवरी ग्लैंड्स भी आता है, बक्कल कैविटी में आपके टीथ भी आते हैं, बक्कल कैविटी में आपके टंग्स भी आते हैं, यानी कि आपका जीभ आता है। तीनों का स्टूडेंट क्या है कि अपना एक प्रॉपर कुछ ना कुछ फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हर एक पार्ट्स को, अब मैं वन बाय वन आपको पढ़ाऊंगा। जैसे देखिए क्या, फर्स्ट जो होता है हम लोग बक्कल कैविटी की बात करते हैं, उसका तो एसोफेगस है। देखिए फूड पार्टिकल कैसे आता है, फूड पार्टिकल जो होता है मूव करेगा, आप वो होता है कि अपने माउथ में रखते हैं, बक्कल कैविटी में खाने को रखेंगे, वहाँ से जो होता है एसोफेगस में आएगा, वहाँ से फिर स्टमक में जाएगा, फिर जो होता है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और एनस से होते हुए आउटसाइड द बॉडी, यानी कि आउटसाइड द बॉडी क्या निकलेगा, जो अनडाइजेस्टेड या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर रिमूव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो खा रहे हैं टोटल 100% जो होता है उसे आउटसाइड द बॉडी रिमूव किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर रिलीज किया जाता है। तो इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ये आपका क्या, लीवर हो गया, ये आपका गाल ब्लैडर्स हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया। अभी मैं वन बाय वन सबको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस डायग्राम को अच्छे से आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो बार बार जो होता है इरेज तो करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग वन बाय वन जो होता है कि देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डाइजेस्टिव ट्रैक बता दे रहा हूँ। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या, देखिए ये आपका माउथ है, क्या है, माउथ। माउथ खुला आपका बक्कल कैविटी में, किसमें खुला, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी की बात देखिए, आपको मिलता फायरिंग्स, क्या मिलेगा, फायरिंग्स, सही बता दे रहा हूँ, फायरिंग्स क्या है। उसके बाद आपको मिलता है ओसोफेगस, ओसोफेगस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, स्टमक, क्या मिलेगा, स्टमक। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या आपका, एनस है। तो ये क्या स्टूडेंट, आपका एक तरह का डाइजेस्टिव ट्रैक है। डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब क्या, कि खाना ऐसे ही आपका मूव कर रहा है, ठीक है। बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ओसोफेगस, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, ठीक। इस तरह से जो होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो बक्कल कैविटी में कह रहा हूं कि इसमें जो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं स्टूडेंट, तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते क्या, देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली तीन पाए जाते हैं। एक होता है जिसको हम पैराटॉइड्स कहते हैं, पैराटॉइड सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। दूसरा होता है जिसको हम सब मैक्सिलरी कह रहे हैं, सब मैक्सिलरी कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा होता है जिसको हम सब लिंगुअल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब लिंगुअल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको हम लोग, सब लिंगुअल कह रहे हैं, ठीक है। टोटल तीन जो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स आप देख रहे हैं, तीनों का काम क्या होता है, क्लास टेंथ के बेस से बहुत डिटेल आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि तीनों का जो होता है लोकेशन अपना प्रॉपर होगा,
तीनों जो होता है कि ऐसा नहीं कि सभी जो होता है कि रिलीज तो सलाइवा ही करेंगे, लेकिन अमाउंट इनका जो होता है वेरी करता। आप इतना जानिए कि तीनों जो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज क्या करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करेंगे? सलाइवा। ठीक है, अब देखिए जो सलाइवा होता है स्टूडेंट, ये सलाइवा जो होता है कंटेन क्या करता है? सलाइवा कंटेन करता एक एंजाइम्स है, उस एंजाइम्स का नाम होता है टाइलिन्स। क्या है? टाइलिन्स, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम जो होता है सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, इस सलाइवरी एमाइलेज का काम ये होता है कि जो स्टार्च होता है उस स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा, किसमें तोड़ देगा इसको? माल्टोज में। किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में इसको चेंज कर देता है। यानी स्टूडेंट देखिए क्या है कि मान लीजिए सलाइवा है, ठीक है, आपने जो होता है फूड पार्टिकल्स को खाया, आप खाना खा रहे हैं, अपने बक्कल कैविटी में खाने को रखे हुए हैं। अब उसमें देखिए क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आएगा, सलाइवा जो होता है आपके भोजन के साथ मिक्स होगा। ठीक है, मिक्स होता है और उसे जो होता है कहीं कहीं मैस्टिकेशन में आपका सलाइवा हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जब सलाइवा के साथ जो होता है फूड पार्टिकल्स होता है आपका मिक्स कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं बोलस। उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आपने जो भी खाना खाया था वह प्लांट से ऑब्टेन हुआ होगा। कहाँ से ऑब्टेन हुआ होगा? प्लांट से। प्लांट जो होता है कि स्टार्च के यानी कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में जो होता है कि उसे स्टोर करके रखते हैं। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन जो होता है कि स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम माउथ से, यानी कि आपके बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सलाइवम पहले तो ये पाया गया। दूसरा सलाइवम देखिए क्या पाया जाता है, एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होगा। क्या होगा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम होता है स्टूडेंट, इसका काम ये होता है कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम जो होता है अगर किसी भी तरह का कोई जर्म है, कोई बैक्टीरिया अगर आपके बक्कर कैविटी में या फिर आपके फूड पार्टिकल्स में आ गया है, तो उसे क्या करता है? किल करने का काम करता है। यानी कि ये जो होता है स्टूडेंट, किल करता है किसको? जर्म को। ठीक है, ये जर्म को क्या करेगा? किल करने का काम करता है, लाइसोजाइम जिसको हम लोग कह रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं जो होता है कि फूड पार्टिकल्स को मैस्टिकेशन में, चबाने में, ठीक है, सलाइवा के साथ वह मिक्स होता है। ठीक, कौन मिक्स होता है? आपका फूड पार्टिकल्स मिक्स होता है और उसको जो होता है मैस्टिकेशन किया जाता है, तेज से अच्छे से चबाया जा रहा है, जिससे क्या होता है? बोलस फॉर्म में, जिसको आप लुगदी कह रहे हैं, बोलस फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, सलाइवा में आपने इतना देख लिया। ठीक है, अब मान लीजिए जो होता है कि आपके बक्कल कैविटी में ही स्टूडेंट क्या मिलेगा? आपके बक्कल कैविटी में, दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, पहला तो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ टीथ मिलता है। क्या मिलता है? टीथ मिलता है। ठीक, किसमें है? बक्कल कैविटी में। अब जो टीथ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये टीथ जो होता है आपका चार तरह का होगा, एक इंसीजर होगा, एक कैनाइन होगा, एक प्री मोलर होगा और एक आपका मोलर्स होता है। चार तरह के जो होता है टीथ आपके जो होता है बक्कल कैविटी में देखने को मिलते हैं, सबका अलग अलग फंक्शंस होगा। जो इंसीजर्स आगे की टीथ होती है स्टूडेंट, वो किसी चीज़ को काटने में हेल्प करेगी। कैनाइन्स होता है टेयरिंग के लिए होता है, यानी कि आपको क्या करे, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, चिड़ने फाड़ने के लिए यूज करेगा। ठीक, प्री मोलर्स और मोलर्स होता है कि मैक्सिमम क्या करते हैं, मैस्टिकेशन में, अच्छे से चबाने में, भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं। ठीक, उसका यानी कि तीन तरह का आपने टीथ देख लिया, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि जो आप इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर देखते हैं, इसी के बेस पे जो होता है एडल्ट में, ठीक है, डेंटल फार्मूला हम लोग बताते हैं। डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2-1-2-3/2-1-2-3। ठीक है, जिसको क्या होता है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, टोटल जो होता है हमारे पास दो जा होते हैं, एक अपर जा होता है और एक लोअर जा होता है। अपर जा हमारा फिक्स होता है हमारे स्कल से, जिससे क्या होता है कि मूवेबल्स नहीं होता, वो मूव नहीं करता है। ठीक, लेकिन जो आपका लोअर जा होता है स्टूडेंट, ये मूव कर सकता है। क्या करेगा? मूव करेगा। दोनों जा में नंबर आप टीथ की बात करेंगे एडल्ट के केस में, तो टोटल 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, यानी कि 32 दांत होता है। आपको पता है लोग कहते हैं कि 32 ही आपकी टूट जाएगी। 32 ही टूटने का मतलब क्या होता है? यानी कि आपके 32 दांत होता है स्टूडेंट टूट जाएगा अगर एक थप्पड़ मार दिया जाए तो। ठीक है, तो लोग इस तरह से एक दूसरे को बोलते भी हैं। अब देखिए क्या स्टूडेंट, तो आपको मैंने टीथ के बारे में बता दिया, थोड़ा सा और यहीं पर मैं आपको टंग्स के बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि जो मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ पर आपका थर्ड है। क्या आपका स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड है? तो थर्ड देखिए क्या है कि मान लीजिए आपका जो होता है कि टंग है, ठीक है, जिसको आप जीभ कह रहे हैं। इस मान लीजिए होता है कि ये आपका जीभ हो गई,
इस पर देखेंगे क्या स्टूडेंट कि जो आपका जो होता है टंग्स होता है, जो आपका जीभ होता है, इस पर जो होता है कि पैपिला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? टेस्ट बर्ड कहते हैं। जो टेस्ट बर्ड होती हैं स्टूडेंट, ये आपके जीभ के ऊपर पाई जाती हैं और ये आपको टेस्ट को रिकॉग्नाइज कराती हैं, आपको टेस्ट को आइडेंटिफाई कराती हैं। आप कुछ भी अगर खाते हैं स्टूडेंट, तो खाते हैं तो जाहिर सी बात है, या तो तीखा होगा, या तो मीठा होगा, या तो खट्टा होगा, या तो साल्टी हो रहा है। यानी कि जो कुछ भी आपने लिया है उसका क्या टेस्ट है, उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज कौन कराता है? आपके टेस्ट बर्ड कराती हैं। और ये टेस्ट बर्ड किस पे पाई जाती हैं? आपके जीभ के ऊपर पाई जाती हैं। मॉर्निंग टाइम में अगर जो होता है शीशे के टाइम होता है कि आप अपने जीभ्स को बाहर निकाल करके इस तरह से, ठीक, उसको अच्छे से आप देखेंगे तो उस पर डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि एक तरह का क्या होगा, हुआ टेस्ट बर्ड होता है। ठीक, दूसरा क्या फंक्शन हो सकता है स्टूडेंट? दूसरा इसका फंक्शन से होता है जीभ का कि फूड पार्टिकल्स को रोटेशन में हेल्प करता है। जब आप खाना खाते हैं और उसको चबाते हैं, यानी कि मेस्टिकेशन करते हैं, तो कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड फूड पार्टिकल्स को आप मूव कराते हैं। किसके हेल्प से? आप टंग्स के हेल्प से, यानी कि अपने जीभ के माध्यम से आप क्या करते हैं, उसे मूव कराते हैं। तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है स्टूडेंट कि जो आपका जीभ होता है वह आपको स्पीकिंग में हेल्प करता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है क्लियर, तो इसका मतलब है कि इसमें जीभ का क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, टंग्स का क्या होगा, रोल होगा स्टूडेंट, यानी कि वो आपकी स्पीकिंग में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट इसका फंक्शंस क्या हो सकता है कि जब फूड पार्टिकल्स को अच्छे से मेस्टिकेट कर लिया जाता है, अच्छे से चबा लिया जाता है, तो उसे क्या किया जाएगा, अब निगला जाता है, यानी कि स्वालोइंग किया जाएगा, निगलने का काम किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है कि टंग्स जो होता है पीछे की तरफ जो होता है फोर्स क्रिएट किया जाते हैं, यानी कि धक्का मार के जो होता है फूड पार्टिकल्स को पीछे की तरफ, यानी कि माउथ से बक्कल कैविटी से फेरिंक्स की तरफ जो होता है स्टूडेंट भेजा जाएगा, या फिर कह सकते हैं कोइसोफेगस में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है इसका टंग्स का फंक्शन हो गया। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आपको मैंने टीथ के बारे में बता दिया, जो कि सफिशियंट है इतना स्टूडेंट आपके लिए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे सीओ जरा देख लीजिएगा कि ये फायरिंग्स है आपका। ठीक, यहाँ पे बक्कल कैविटी में इतने काम हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या आपका? सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा रिलीज करेगा, इसमें टाइलिन एंजाइम्स पाए जा रहे हैं जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देगा, लाइसोजाइम पाए जा रहे हैं जो बैक्टीरिया अगर कुछ जर्म उसे किल किया जाएगा। ठीक, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, टीथ जो होता है आपका तीन चार तरह का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब जो होता है कि अपना क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक, फूड पार्टिकल को मेस्टिकेशन में अच्छे से चबाने में, काटने में, चीड़ने फाड़ने में इसमें आपका हेल्प करते हैं। जो आपका जीव होता है उसने आपको बता दिया कि मेन फंक्शन इसका क्या, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करा रहा है स्टूडेंट, प्लस स्पीकिंग में और फूड पार्टिकल्स को सॉलोइंग करने निगलने में हेल्प करता है। उसका देखिए क्या नेक्स्ट हम आते हैं फायरिंग्स पे। फायरिंग्स क्या होता है स्टूडेंट? देखिए फायरिंग्स जो होता है, कुछ कुछ बुक आप पढ़ेंगे उसमें लिखा रहा कि फायरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप्स एंड विंड पाइप्स। होता क्या है कि जो फायरिंग्स होता है एक तरह का ऐसा कॉमन पैसेज होता है स्टूडेंट, जहां पे जो होता है फूड आकर के मिलता है, प्लस एयर भी आकर के मिलते हैं। यानी क्योंकि आपको पता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका फूड पाइप्स होता है स्टूडेंट, सपोज दैट आपका फूड पाइप्स होता है, तो इसी के पीछे जो होता है कि आपके विंड पाइप्स लगी रहती है। और यहां फायरिंग्स आप जो देख रहे हैं यहीं पे क्या होता है कि आपका एपिग्लॉटिस लगा रहता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है स्टूडेंट? जो एपिग्लॉटिस होता है इस तरह से जो होता है क्लोज रोटेट, इस तरह से क्लोज करता रहता, ओपन क्लोज होता रहता, ताकि जो होता है फूड पार्टिकल्स को निगलते टाइम जो होता है कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में ना चला जाए, आपके श्वास नली में ना चला जाए। इसलिए क्या होता है वहां पे एपिग्लॉटिस वहां पे रोकने का काम करता है। क्योंकि अगर कोई भी जो होता चावल के एक दाने भी स्टूडेंट जो होता है कि आपके श्वास नली में चले जाएंगे, तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा, स्नीजिंग हो जाएगा, आपको एक तरह का छींक आ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी चावल के दाने जाए रहेंगे वो क्या होते हैं आपके नोज के थ्रू जो होता है बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा खाना फाइनली कहां तक आ गया, ओएसोफेगस तक आ गया। कहां आ गया? ओएसोफेगस में। तो हम लोग जो होता है कि ओएसोफेगस की बात कर लेते हैं थोड़ा। किसकी बात करते हैं? ओएसोफेगस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर आपका हो भी रहा होगा। अगर कोई डाउट होता, कोई दिक्कत होता, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके स्टूडेंट जो होता है मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही फास्ट होता है कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओएसोफेगस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है कि ओएसोफेगस होता है स्टूडेंट, है क्या स्ट्रक्चर आपको देखे होंगे, तो इस तरह से मैंने आपको बता रहा था कि एक तरह का क्या होता है कि पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे थे, जो आपका ओएसोफेगस था। क्या आपका एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है स्टूडेंट? मैं आपको बता दूं कि जो ओएसोफेगस होता है इसकी जो वाल होती है ये ओनली जो होता है म्यूकस रिलीज करती है यहाँ पे। ठीक है, म्यूकस रिलीज करती है।
म्यूकस क्या होता है, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है फूड पार्टिकल्स को आप सालोइंग करेंगे तो अच्छे से निगल सके, ठीक है, अच्छे से स्मूथनेस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कोइसोफेगस में आपका फूड पार्टिकल फंसता नहीं है और आसानी से होता है आप उसे निगल लेते हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो आप देखिएगा कोइसोफेगस होता है, इस कोइसोफेगस में कोई भी जो होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं आती है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके ओएसोफेगस में रिलीज नहीं किए जाते हैं। फूड पार्टिकल्स होता है कि ओएसोफेगस से होते हुए एक तरह का एक पैसेज है, एक तरह का जिससे क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स होता है कि आपके कहाँ स्टमक में आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसकी वाल जो होता है एक तरह का म्यूकस रिलीज करती है। अब मान लीजिए होता है कि आपका फूड पार्टिकल्स होता है कि आपके किस में आ रहा है स्टूडेंट, आपके जो होता है स्टमक में आ रहा है, किस में आ रहा है, स्टमक में आ रहा है, तो देखिए क्या ओएसोफेगस से जब फूड पार्टिकल स्टमक में आता है तो मैं एक टर्म आप दे रहा हूँ जिसको कह रहे हैं कि स्फिंक्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग, स्फिंक्टर कह रहे हैं। स्फिंक्टर क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का जो होता है कि मस्कुलर्स होते हैं जो क्या करता है किसी चीज़ को रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि ओएसोफेगस से जैसे फूड पार्टिकल्स होगा सीधे सभी फूड पार्टिकल्स आकर के स्टमक में गिर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, थोड़े थोड़े अमाउंट में जो होता है कि स्टमक में भेजा जाता है, यहाँ पर स्फिंक्टर एक तरह का वाल का काम करती है, रेगुलेट करती है, थोड़ा थोड़ा करके आपके स्टमक में भेजेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि अब आपका फूड पार्टिकल्स, देखिए कहीं कहीं अगर आपको बता दूं क्लास 11th में अगर आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक से तो आपको बताया जाएगा कि जो ईसोफेगस होता है यहाँ पे जो होता है कि एल्कोहल का, ठीक है, एल्कोहल्स का जो होता है प्लस ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली होने लगता है। इसलिए देखिए क्या है कि जो लोग जो होता है कि एल्कोहल लेते हैं, ड्रिंकिंग करते होंगे, आफ्टर सम टाइम्स होता है कुछ समय बाद उनको रिस्पॉन्स मिलने लगता है स्टूडेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईसोफेगस से क्या होता है उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं स्टमक की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, स्टमक की। तो देखिए क्या स्टूडेंट की स्टमक जो होता है हम लोगों का वह क्या होता है कि जे शेप में होता है, कैसा होता है आपका जे शेप में स्टमक होता है। स्टमक में देखिए क्या है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में मैं डिटेल आपको अलग से बताऊंगा जितने भी एंजाइम्स होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है स्टूडेंट एक तरह की ग्लैंड्स होती है जो आपके स्टमक में पाया जाता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जो जूस होता है स्टूडेंट ये क्या करता है, एंजाइम्स को कंटेन करता है, क्या करेगा, एंजाइम्स को कंटेन करता है प्लस HCl को कंटेन करता है। इस तरह देखिए क्या है कि जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उसमें एक ऑक्सेंटिक सेल्स होता है और वह ऑक्सेंटिक सेल्स क्या करता है, HCl को रिलीज करता है। HCl स्टूडेंट जो होता है हाईली कंसंट्रेटेड होता है और ये HCl जो होता है कि आपके स्टमक में आता है। अब मान लीजिए यहाँ से होता है फूड पार्टिकल्स आ रहा है आपके स्टमक में, किस फार्म में आ रहा था, बोलस फार्म में आ रहा था, किस फार्म में आ रहा था, ये बोलस के फार्म में आ रहा था क्योंकि सलाइवा के साथ मिक्स है स्टूडेंट। अब क्या होता है कि जब आपका जो होता है कि बोलस, क्या चीज आपका बोलस प्लस होता है स्टूडेंट आपका HCl मिक्स हो जाता है तो इसको हम काइम कहते हैं, क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो आपका बोलस होता है वह आपके जो होता है कि स्टमक में आएगा और वहां पर क्या किया जाता है कि आपका मिक्स हो जाता है, किसके साथ मिक्स हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, HCl के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या HCl का यहाँ फंक्शन देखा जाए तो HCl का फंक्शन क्या होता है, HCl जो आप देख रहे हैं ये HCl जो होता है कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। कुछ एंजाइम्स हैं जैसे क्या है आपका आपका पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन जो एंजाइम होता है स्टूडेंट जैसे कि इनएक्टिव फार्म में जो एंजाइम्स पाए जाएंगे उसे HCl क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है और वह क्या करेंगे वहाँ पे प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि HCl और क्या करता है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया कोई जर्म जो होता है स्टूडेंट आपके बक्कल कैविटी से बच गया है तो HCl के पास आएगा यानी कि आपके स्टमक में आता है और वहाँ पर जो होता है उसे फाइनली जो होता है किल कर दिया जाएगा, फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक, आपके स्टमक में खाना आपका जो होता है स्टूडेंट 4 से 5 आवर्स रहता है, 4 से 5 घंटे खाना आपके स्टमक में रहेगा, वहाँ पे अच्छे से जो होता है कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पे जो होता है अच्छे से काइम का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि आपका फूड, देखिए क्या जो एंजाइम जितने भी हैं उसका मैं अलग से सभी एंजाइम्स का शॉर्ट वीडियो आपको एक बना करके दूंगा जिससे क्या होता है कि आप अच्छे से कंपेयर कर लेंगे कौन कौन से एंजाइम कहाँ पे और किस किस चीज़ का ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक जनरल जो होता है कि ओवरव्यू देते हुए चल रहा हूँ। स्टमक में आप देख रहे हैं कि जब फूड पार्टिकल्स पूरी तरह से होता है कि आपका काइम में फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से होता है कि स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या स्टूडेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आपको डायग्राम बनाए होंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने आपको बताया था इसका एक पार्ट होता है ड्यूटिनम, क्या होता है
ड्यूडनम होता है। ड्यूडनम जो होता है स्टूडेंट सी शेप में होता है। कैसा होता है? सी शेप में होता। उसी ड्यूडनम से एक तरफ आपका लीवर लगा रहता है और एक तरफ आपका पैनक्रियाज लगा रहता है स्टूडेंट। जो लीवर लगा रहता है वह आपका जो होता है बाइल जूस बनाता है और वो बाइल जूस आपके गाल ब्लेडर में जाता है और गाल ब्लेडर से स्टोर होकर के थोड़ा थोड़ा अमाउंट्स में आकर के ड्यूडनम में गिरता है। उसी तरह से आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड था, पैनक्रियाटिक ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस को कंटेन कर रही थी और वो जूस धीरे धीरे आकर के ड्यूडनम में गिर रहा था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका बाइल जूस हो गया, जो आपका पैनक्रियाटिक जूस हो गया, ये कहीं कहीं जो होता है मेजर रोल प्ले करते हैं फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में। ठीक, उसके बाद जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम पार्ट्स में आएंगे, वहां धीरे धीरे जो होता है कि आपका फूड पार्टिकल मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वह होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्ब होकर जो होता है कि आपके ब्लड्स में जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो होता है वहां से एसिमिलेशन होगा, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स होगा स्टूडेंट, या फिर जो होता है कि कुछ ऐसे भी चीज होंगी जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, वह सब लार्ज इंटेस्टाइन में आपके एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद जो होता है कि वहां से जो चीज बचा रहेगा वह एज आपका एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, उसे जो होता है कि एनस से होते हुए आउटसाइड द बॉडी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के जो होता है लेक्चर में, आज के वीडियो में स्टूडेंट जो होता है मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा उसमें क्या होता है, टोटल जो होता है एंजाइम्स हम लोग देखेंगे, कौन से ग्लैंड से कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, कहां पे पाए जा रहे हैं, या फिर कौन से ग्लैंड से कौन से जूस आ रहे हैं, कहां पाए जा रहे हैं, और कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक, ये बताऊंगा मैं। उसके बाद मैं आपको एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड्स में जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको जो होता है कि माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। थैंक यू।